सबने अपना अपना नाचना गाना किया, लेकिन किरण मई किया था और किरण मई का नाचना कुछ अलग ही था। मेरे दोस्तों, राजा ने सारी नाचने गाने वालियों में से राजा बादशाह सलामत की जो नजरें थी वो किरण मई के ऊपर टिक जाती हैं कि इसने सबसे बढ़िया गाया है और सबसे बढ़िया नाची है। साथियों, सबको एक साइन ने कर दिया और किरण मई को राजा ने अपने पास बुला लिया। आइए क्या कहते हैं राजा और क्या कहती है किरण मई, और कैसे शेर खान और कैसे बचेंगे फांसी से पृथ्वी सिंह। बहुत खूब, बहुत खूब, अति सुंदर, अति सुंदर, क्या बात है। अरे नटनी, तुमने तो इस पूरे भरे दरबार को प्रसन्न कर दिया, यहां तक कि इस बादशाह का दिल ही जीत लिया। तुमने बहुत ही सुंदर इस दरबार के दरबार में बहुत सुंदर नृत्य दिखाया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं, अति प्रसन्न, मेरी आत्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है। कुछ मांग सकती हो आज तुम इस बादशाह से, क्योंकि आज तुमने इस दरबार में सभी को सुंदर नृत्य दिखा करके बहुत खुश किया है। कहो, क्या मांगना चाहती हो? हे महाराज, कहिए। आपने हमारे नाच और गाने की इतनी तारीफ की, हाँ, हमारे लिए वही काफी है। अच्छा, हमें आपसे कुछ इनाम नहीं चाहिए महाराज। फिर भी सोच लो, सोच लो, तुम्हें मौका दिया जा रहा है। नहीं महाराज, कुछ भी नहीं मांगना चाहोगी? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, अगर तुम इस दरबार में, आज इस दरबार में बादशाह के समक्ष कुछ नहीं मांगोगी तो ये इस भरे दरबार में बादशाह की तोहीन समझी जाएगी। हे महाराज, अगर मेरे कुछ ना मांगने पर आपकी तोहीन होती है, हाँ, तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, बेखौफ मांगो। इंसाफ मांगना चाहती हूँ महाराज, धन दौलत नहीं मांगना चाहती, इंसाफ चाहिए मुझे। इंसाफ? जी महाराज। कैसा इंसाफ? महाराज, आपके दरबार में मेरा एक चोर बैठा हुआ है। चोर? हाँ। वो भी बादशाह अकबर के दरबार में? जी महाराज। नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। ये है महाराज, इस दरबार में मेरा चोर बैठा हुआ है जिसने मेरे 500 रुपए और एक सोने की जंजीर चुराई है। 500 रुपए और सोने की जंजीर? जी महाराज। मेरे दरबार में तुम्हारा चोर? जी महाराज। क्या तुम उसे भरे दरबार में सामने ला सकती हो? ला सकती हूँ महाराज। अच्छा जी, तो लाइए। कहाँ है तुम्हारा चोर? सुनिए मेरी बात, सुनाइए। और सुनिए महाराज, कहिए अपनी बात। सरे सामने मेरा चोर पकड़े के लाती मुझे लूट लिया सरे सामने मेरा चोर पकड़े बादशाह से वचन भरा के अच्छा मौका पाया था, अचंबा सा हो गया जाके शेर खां उठाया था, अचंबा सा हो गया जाके शेर
वो मानस न छुपे छुपाए जिसकी सत पे डोर से थारे शाम में खड़ा बादशाह यही मेरा चोर से शेर खान कई हजूर ये जो नटनी तुम्हारे बारे में कह रही है क्या ये सारी बातें सच हैं? झूठ है और तुम चुपचाप क्यों खड़े हो ये नाचने वाली है अच्छा और इल्जाम पे इल्जाम लगा रही है एक शरीफ आदमी पर कहीं ना कहीं तो सच्चाई है इसकी शरीफ शरीफ मैं सराफत तो तेरे अंदर इतनी सी भी नहीं है मेरे रोम रोम में भरी हुई है सराफत ओ रेंदे ये देखो सराफत नीच सराफत देखो सराफत कहो अपनी बात आज तू मरेगा तुझे फांसी की सजा हो ए नटनी इस दरबार से तू नहीं जाएगी तेरे साथ जितने ये नटाए हैं एक भी जिंदा नहीं जाएगा अच्छा इतना राजी मत हो आई थी मैं तुम्हारी मर्जी से लेकिन जाऊंगी अपनी मर्जी से कुछ और कहना चाहती हो नटनी पैसे दे मेरे कौन से पैसे जो तूने चुराए थे आज तक मैंने तुझे कभी नहीं देखा है 500 रुपए चुराए तूने झूठे झूठ बोल रहा है सबके सामने और एक सोने की अरे ये क्या हो रहा है एक सोने की जंजीर दे मेरी रुको नीच जब तक चोरी करके लिए आया बादशाह के दरबार में जब तक इल्जाम साबित नहीं होता तुम इससे कुछ नहीं कह सकती अपनी बात कहो सुनिए तो मेरी बात जरा जब तक इल्जाम साबित नहीं होगा कुछ नहीं कहोगे चोरी करता फिरे दुष्ट तू बादशाह का बनिया वजीर रुपए पांच सौ लाया था और बल सोने की जंजीर यानी 500 रुपए और एक जंजीर चुरा के लाया है जी महाराज जो शेर खान हजूर झूठे ये इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही है तुम चुपचाप क्यों खड़े हो इस दरबार से मुझे बहुत बड़ी तनख्वाह मिलती है हाँ। ये दो पैसे कमाने वाली नटनी इसकी चोरी करूंगा मैं कते भी नहीं झूठ है तूने तो मेरी चोरी कर ली दो पैसे कमाने वाले की चोरी की है तूने ए पृथ्वी सिंह मैं कुछ नहीं कह रहा सुनो हमारे सामने बोलने लायक नहीं है नहीं मैं तो बोलने लायक हूं ही नहीं अरे जा सरकार हमारी कानून हमारा हवा हमारी अरे शेर खान सरकार तुम्हारी कानून तुम्हारा अदालत तुम्हारी फैसला हमारा अरे ओ नीच ना तो अब तेरी हवा रही ना तेरी सरकार रही दरबार की मर्यादा के खिलाफ ना जाए कोई अब तेरा कुछ भी नहीं रहा अरे शेर खान सामने आ सुने जब तू चोर नहीं है तो सामने खड़ा रहे यहीं पे मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ सुनो मेरी बात रुपए 500 लाया था और एक सोने की थी जंजीर रुपए 500 लाया था और एक सोने की थी जंजीर और बादशाह ने कही शेर खान बादशाह ने कही शेर खान
क्यों चुपचाप नटने की चोरी का सिर खां देना होगा सब इंसाफ सभी का उजागर हो जाए छुपे ना छुपाए पाप सभी का उजागर हो जाए छुपे ना छुपाए पाप हो तेरे हाथ तेरे मुंह पे लगी रे लगाम तेरे मुंह पे लगी क्यों लगा इसकी शान शकल नहीं देखी हाँ इसके घर नहीं गया हाँ नहीं गया क्या साबूत है इसके पास की इसकी शान शकल नहीं देखी बताओ शेर खान जवाब दो हजूर चुपचाप मत खड़े रहो ये हमारे धर्म की बात है ये तुम्हारे दरबारी बैठे हैं महाराज तुम भी बैठे हो हाँ इसके पास क्या साबूत है कि इसने किरण माई को नहीं देखा इसको नटनी को नहीं देखा अच्छा बताओ हजूर हाँ। इस नाचने वाली को कभी नहीं देखा है मैंने हाँ, नहीं देखा है नहीं देखा है और दरबार में रोजाना जश्न होता है हाँ। इन जैसी नटनी नाचने के लिए आती है हम अच्छा। किस किस की पहचान करें अच्छा क्या सबूत है तेरे अरे पास? सुनो ये हाथापाई बंद करो क्या सबूत है तेरे पास कि सबूत तुम दिखा नहीं जानता सबूत सबूत दिखा तुम देखोगे सबूत हाँ, सब देखेंगे सब बाद से देखेंगे ये सारे दरबारी बैठे हैं आज सब देखेंगे इंसाफ होगा इंसाफ होगा सुनिए जय हो सुनो जय हो महाराज बिल्कुल बिल्कुल होगा पृथ्वी सिंह शेर खान भी अपने धर्म पर पक्का है एक हाथ पर कुरान धर के कसम खा गया है नटनी अल्लाह ताला की सौगंध कह के खाता हूँ मैं ओए रुक जा अभी मैं तेरे सामने खड़ी हूँ ना सुन मेरी बात तू कहता है तू मुझे नहीं जानता नहीं जानता नहीं पहचानता नहीं पहचानता सुन ले मेरी बात पृथ्वी सिंह अपनी जवान को लगाम ले नहीं तो छुरी से आज अरे रुको रुक जा छुरी चलाने वाले रुक जा ये हाथ अपाई बंद करो छुरी चलाएगा ये तो अपनी बात की सफाई अपने तरीके से तो सारे किरण माई ने बात पकड़ ली हो जो महाराज इसे जो हाँ? नजरगात पेटेगी नहीं कैसे धर्म दिखाया था जब मैं पापी न देखी नहीं कैसे धर्म दिखाया था जब मैं पापी न देखी नहीं और महाराज नाम बता दो अपना आखिर ये बताओ तुम हो कौन मैं कोई नटनी भी नहीं हूँ महाराज कौन हो इधर ओ शेर खान शेर खान इधर आ इधर डरो मत मेरा तू आ हो मेरा तेरा हो मेरा किरणमयी
खान। अच्छा तुम पहले ये बताओ आखिर तुम तूने मुझे नहीं देखा इससे पहले? मैंने कह दिया नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। तू कौन है और कहां से? मैं तुझे नहीं जानता। तो चिल्लाने की जरूरत नहीं है शेर खान, जब तूने आज से पहले मुझे कहीं नहीं देखा तो मुझे जानता पहचानता नहीं। तो ये बता तूने भरी सभा के अंदर पृथ्वी सिंह से ये कैसे कह दिया था कि तूने उसकी पत्नी किरणमयी की बाईजांग पे दिल का निशान देखा है? बता शेर खान। रुक जा, अरे शेर खान ये दरबार की बेइज्जती है। हजूर मुझे दरबार से छुट्टी चाहिए, रुख्सत चाहिए। छुट्टी क्यों? कैसी छुट्टी चाहिए? मेरी शर्मा बीमार है। हैं? मेरी घरवाली बीमार है। घरवाली बीमार है? जी हजूर। ये संदेश अभी आया है क्या? जी। अच्छा लेकिन जब तक महाराज। हाँ कहिए प्रतीक सिंह। बात पकड़ने की है। हाँ क्या नाम बताया इसने अपने घरवाली का? सलमा। हाँ और जब दरबार में हमारी इसकी शर्त लग रही थी तो जब अपनी घरवाली का नाम ही नाजिया बता रहा था। हजूर वो भी है, नाजिया हाँ। भी है, सलमा भी है। कितनी है? और भी है। सात। सात बेगम है तेरे? सात बीवी हैं। और बच्चे? 21। 21? 21 बच्चे। और शादी को कितने साल हो गए तुम्हारी? हजूर हाँ 2 वर्ष। 2 साल में 21 बच्चे। अल्लाह ताला मेहरबान है, ये तो अल्लाह की करामात है। अच्छा अच्छा शेर खान का नाम मत ले। शेर खान तू अपनी जुबान से अल्लाह ताला का नाम मत ले, क्योंकि पहले तो ये बता इंसाफ होगा। एक एक कई कई बालक दे रही जो नटनी कह रही है वो क्या सच है? अब तो मरेगा तुझे फांसी की सजा होगी शेर खान। अरे रुको, मरेगा तू। अल्लाह के वास्ते इस गरीब पे दया करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने छोटे छोटे हैं तेरे बच्चे? कितने छोटे हैं? ऐसे भी हैं? अच्छा ये बताओ, जब मैं दरबार के लिए आ रहा था सुबह हाँ। तो मेरी घरवाली मेरी बीवी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, दर्द से पीड़ित थी और कह रही थी अल्लाह। हाँ। रुको, अब तुम मुझे ये बताओ बात इंसाफ की आ गई है? तुम ये जान चुके हो ये किरणमयी है? किरणमयी जो भी है जी है, हम तुम्हारा अपने दरबार में स्वागत करते हैं। तुमने पहले नहीं बताया और सही मायने बताओ। अगर पहले बता देती ना तो इस नीच को फांसी नहीं होती। सही मायने में सही बात खोल कर बताओ, बात क्या थी? बात क्या थी? हाँ। जी। तो मैं नहीं पता की बात क्या थी। ये मेरे पति हैं पृथ्वी सिंह, इनको आपने फांसी की सजा सुनाई थी जब नहीं पता था कि बात क्या थी। ये बादशाह भी सबूतों पे चला था, उस वक्त इसने बड़े दरबार में सबूत पेश किए थे किरणमयी। तो सबूत अब इसके खिलाफ है। महाराज मैं बोल सकता हूँ? हाँ पृथ्वी सिंह तुम्हें बोलने के और आदेश है। शेर खान कहता है कि मैंने किरणमयी को आज से पहले नहीं देखा। हाँ ये मेरी पतिव्रता किरणमयी। हाँ बिल्कुल है। मैं पृथ्वी सिंह छत्री राजपूत। हाँ बिल्कुल। जब इसने मेरी घरवाली के घाट पर नजर तक नहीं देखी और इसने मेरी घरवाली को आज से पहले नहीं देखा तो पटकार कटार कहां से आई? जवाब दो शेर खान, जवाब दो। इसने मेरी घरवाली को नहीं देखा, बताओ इसने भरे दरबार में कैसे कह दिया कि किरणमयी की बाई जान पर तिल का निशान? सच्चाई खोल कर बताओ। महाराज हम तो गरीब हैं, आप राजा हो करोगे सो होगा। पृथ्वी सिंह इंसाफ इंसाफ की तरह होगा। शेर खान की अगर गलती निकलेगी, अगर ये कसूरवार है तो इसको भी फांसी की सजा सुनाई जाएगी। जय हो महाराज। हजूर बताओ शेर खान बताओ बात क्या था। हजूर सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, पटका कटर लेके आया था, मैं मंगवाए थे मैंने। किससे मंगवाए? पर ये बताओ हाँ पृथ्वी सिंह की घरवाली क्या अंग्रेजी में नहावे? नहीं तुम तो कह रहे थे जब तुमने सबूत पेश किए थे, तुमने बड़े बड़े वादे कर रहे थे तुम कि मैं तो एक महीना किरणमयी के महल में रह के आया हूँ, एसी चल रहा था। ले ले यहाँ आ जाओ, एसी की हवा ले। अब बताओ ये पटका कटारी कौन लाया था? हजूर किसको भेजा था तुमने उसके महल में?
एक दूती गई थी। दूती महाराज उस निकम्मी दूती को भी बुलवाओ। दूती हाजिर हो। अरे दूती जी महाराज आओ, तुम्हारा भी स्वागत है। और चोर ये मेरा है, चल नीच कहीं। रुको महाराज, क्या तेरा ये? तुम इस शेर खान के कहने से किरणमयी के महल में गई थी? जी महाराज। अच्छा, इसी ने भेजा था मुझे। यही है महाराज जो अपने आप को आपकी बुआ बता रही थी। ओ बुआ। महाराज हाँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सुनो बता था कैसे ना बता। दूती तू लठा रही, जितने कसूरवार तुम हो उतनी ही कसूरवार दूती तुम भी हो, क्योंकि इस छल के काम में तुमने भी शेर खान का बराबर साथ दिया। इसने मुझे लालच दिया कि जो तू चाहेगी वो दूंगा, इतनी सारी अशरफियां दूंगा, लेकिन इसने कुछ नहीं दिया मेरे को। अच्छा, खसमा उड़ दिया। लेकिन इसने यो लालच ना दिया कि सात बेगम पहली आठवीं तू और बन जा, यानी दोनों की मिली भगत चल रही थी इनकी। ये नहीं था महाराज, सजा तुम्हें भी बराबर मिलेगी। दूती आंखों से डराओ मत महाराज, दोनों फांसी पे लटकाए जाओगे अब तुम। हाँ, तुम्हारा गुनाह साबित हो चुका है। इसको तो फांसी पर मत लटकवाओ महाराज, इसको भी छोड़ सकती हूँ मैं। इसको तो कारौली के चौक पे गढ़वा दो। शेर खान जी हजूर, तुम्हें एक तरह से माफ किया जा सकता है। कौन सी तरह से? क्योंकि ये किरणमय पतिवर्ता है। हाँ। और ये भी मैं जानता हूँ कि ये पृथ्वी सिंह भी बड़ा दिल शरीफ इंसान है। अच्छा, इन दोनों से तुम मिलकर कर माफी मांग लो, यही तुम्हें माफ कर सकते हैं, यही तुम्हारा। सुर नाश में गलती कर दो माफ हुआ, बिजली पर तेरा दास में गलती कर दो माफ हुआ। पतिव्रता की होगी जीत, कह जय करण, कह जय करण पति बचाया। शतवन तीन गा कह गीत, जय करण पति बचाया। शतवन तीन गा कह गीत, हो सुख है बसोरे से सुख थे बसोरे से